याद रखिएगा, एसबीआई को आप अभी भी बैंकिंग स्पेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बाकी दूसरे स्टॉक्स टूटे, ये रत्ती भर नहीं टूटा पिछले 4-5 दिनों में। दिनेश, आपका आपका व्यू क्या कहता है? 513.40 आई मीन रोलिंग में इस वक्त ये डे हाई पर है, बाजार में अच्छी कवरिंग आ रही है, याद रखिएगा मल्टीपल सेक्टर्स के मल्टीपल स्टॉक्स के हाइपर फ्लो करने की कोशिश करते हुए, आपकी राय एक बार एसबीआई पे क्या होगी? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों की जो गिरावट हम बाजार में देख रहे हैं उसके विपरीत काउंटर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा सारे ही पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। ऊपरी स्तर पर अगर लेवल्स की बात करें तो 525-25 तक के लेवल हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई में 500 के आसपास बेस बिल्डिंग होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, तो जिनकी भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। इनफैक्ट यहाँ पे फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है ऊपरी स्तर पर 525 के टारगेट के लिए। साथ ही साथ एक और स्टॉक पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो हमें पसंद आता है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 95 के आसपास इसका एक मेजर था,